वर्ष क्या था, क्या है और क्या होने वाला है, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर पेश है। सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का एसके हेल्थ एंड वेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, 200 साल का ब्रिटिश रूल जो था भारत को एकदम खोखला और उनके ऊपर डिपेंडेंट बना दिया था, लेकिन ये जो भारत के 75 वर्ष जो ये जो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इन 75 सालों में अपने ने क्या उन्नति की है और आगे क्या होने वाला है उसकी डिटेल लेते हैं। जब भारत आजाद हुआ था तब अपने सोशल और इकोनॉमिक दोनों तरह से पिछड़े हुए थे, बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, लेकिन अब आज का जो भारत है एक बुलंद भारत है जिसकी तरफ पूरा विश्व आशा की दृष्टि से देखता है। अब जब कोविड आया था तो आपने देखा होगा आगे क्या होता था कि अपने वर्ल्ड की तरफ अपने देखते थे कि भाई उन लोग अपने को सप्लाई दे, लेकिन वर्ल्ड की जो लीडिंग देश थे जिसके अंदर वैक्सीनेशन डेवलपमेंट हुआ था उसमें से भारत एक था, और बाद में 60% से ज्यादा वैक्सीनेशन वर्ल्ड के अंदर इंडिया ने प्रदान किया है। दूसरा, आप देख सकते हैं आईटी के अंदर वर्ल्ड के अंदर सबसे लीडिंग कंट्री है। तीसरा, जो वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज है उसमें से 6 कंपनी के सीईओ जो है वो इंडियन ओरिजिन के हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत का कितना दबदबा है पूरे वर्ल्ड पर। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था तब 1950 के अंदर भारत की पर कैपिटा इनकम मात्र 265 रुपया थी, जो आज के दिन बढ़कर 1.5 लाख रुपया से ज्यादा हो गई है, और अपनी जो ग्रोथ है 500 टाइम से ज्यादा हुई है। ये एक बुलंद भारत की तस्वीर है। तब अपनी इकोनॉमी लोकल से ग्लोबल बन गई है। दोस्तों, आप लोग को याद होगा 91-92 के अंदर जब मनमोहन सिंह जी ने आके एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाया था रिफॉर्मेशन के अंदर, और उन्होंने एक नया नारा दिया था, वो था एलपीजी का, वो है लोकलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद में जो भारत की ग्रोथ हुई है वो सब कोई देख रहे हैं, और ये तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है शुरू, अब आगे की पिक्चर पूरी बाकी है। दोस्तों, एक टाइम था जब अपने यहाँ हर चीज को इम्पोर्ट करना पड़ता था और अपने उन सब चीजों को लग्जरी बोल के मना करते थे। अब क्या टाइम आ गया है, अपने को हर चीज जो है अपने यहाँ पर अब अवेलेबल है और अपने वो नेसेसरी में काउंट आने लग गई है। आगे जो चीजें जैसे समझ लीजिए, शूज है, वॉच है, सोफा सेट है, टीवी, फ्रिज, कार, सब चीजें जो है अपने को इम्पोर्ट करनी पड़ती थी, लेकिन आज के दिन अपने डे टू डे लाइफ के अंदर सब चीज मस्त हो गई है। अपना घर कभी सपना हुआ करता था, लेकिन अपनी इकोनॉमी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है और ईएमआई के द्वारा अब वो अपना लगता है और अपना बहुत जल्द हो जाता है। दोस्तों, जहां अपने देश के अंदर भूखमरी से 20-30 लाख आदमी ऐसे ही मर जाते थे, वो भी खाली 25-30 करोड़ की आबादी के अंदर, अपने यहां पर चावल है, गेहूं है, मसाले हैं, सबकी बहुत शॉर्टेज रहा करती थी और अपने को इम्पोर्ट करना पड़ता था, लेकिन देखो अपने कितनी मेहनत से देश में अपने उन्नति किए हैं। आज के दिन इंडिया नेट एक्सपोर्टर है हर चीज के अंदर, विश्व के अंदर, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जब आपने देखा होगा यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध छिड़ा था तो पूरी यूरोपियन देशों ने भारत से गुजारिश की थी, हम लोगों को जो है गेहूं जो है इंपोर्ट करिए, हम लोगों ने एक्सपोर्ट करके उन लोगों की भूख मिटाई थी। ये भी अपने देश के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। सिर्फ अनाज ही नहीं, अपने मिल्क है, अंडे है, फिश है, सबको एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते हैं अक्रॉस ग्लोब। मेडिकली भी अपने बहुत उन्नति किए हैं। दोस्तों, जहां अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 37 इयर्स थी, जो आज के दिन बढ़कर 72 इयर्स हो गई है, और एक यहां पर 1180 इन्फेंट जो जन्मते ही बच्चे मर जाते थे अपने मेडिकल साइंस के अभाव में, आज वही महज 27 पर आ गई है। ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ इंडिया की हो रही है। दोस्तों, आपको गर्व होना चाहिए, लिटरेसी रेट जहां सिर्फ 18% थी, जो आज के दिन बढ़कर 77% हो गई है। हो सकता है बहुत लोगों को ये आंकड़ा ही विश्वास नहीं हो रहा होगा।
जब भारत आजाद हुआ था तब अपने रेलवे ही एकमात्र लंबी दूरी का साधन हुआ करता था और इतना ज्यादा समय भी लगता था और अगर ज्यादा मुसाफिरी लंबी रहती थी तो लोग काले होके घर पे आते थे। आज के दिन पूरी इंडिया में नेटवर्क भी बहुत तकड़ा हो गया है, फास्ट हो गया है। इवन नॉर्थ ईस्ट में जहाँ रेलवे वही नहीं करती थी वहाँ पर भी वो पूरी जुड़ गई है और अभी तो हाइपर लूप वाली ट्रेन भी आ रही है। आगे जहाँ भारत वर्ष में सिर्फ 20,000 किलोमीटर में ही रोड बनी हुई थी, आज के दिन 1,26,000 किलोमीटर में रोड बन चुकी है। और आगे जब रोड के ऊपर आदमी जाता था तो भगवान का नाम लेते लेते जाता था, लेकिन आज के दिन एकदम मक्खन जैसी रोड बन गई है, पूरे नेशनल हाईवे बन गई है। आदमी का पेट का पानी हिलता नहीं है और आदमी लोग बहुत ही कम समय के अंदर एक दूसरी जगह पहुँच जाता है। तीसरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन एरोप्लेन। दोस्तों आगे सिर्फ सेठ लोग या फिर टॉप कॉर्पोरेट लोग ही यूज कर पाते थे, आम आदमी तो इमरजेंसी के अंदर भी 10 बार सोच के यूज करने की पोजीशन में आ पाता था, इतना महंगा हुआ करता था। लेकिन आज के दिन भारत की नीतियों की वजह से, सरकार की नीतियों की वजह से एक छोटी छोटी जगहों पर भी एयरपोर्ट बन रहे हैं। दोस्तों आजकल एयरपोर्ट भी रेलवे स्टेशन जैसे दिखते हैं, इतनी भीड़ रहती है, क्यों कि आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी में आ गया है। और आज के दिन आप कह सकते हैं कि एक आदमी जो बिजी रहता है ब्रेकफास्ट एक सिटी में लेता है, लंच दूसरी सिटी में और डिनर तीसरी सिटी में जाके ले रहा है। दोस्तों आज के दिन अपने मेट्रो हो चाहे हाई स्पीड रेल हो चाहे हाईवे हो एरोप्लेन है, सब मिला के भारतीयों की लाइफ बहुत इजी कर रखे हैं, एक बहुत ही सॉफ्ट एंड स्टेडी लाइफ है। एक वाकया याद आ गया दोस्तों, एक टाइम था जब बड़ा बाजार से हावड़ा तक जाने के लिए भी ट्रेन पकड़ने के लिए आदमी एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा पहले निकलता था, क्यों कि पता नहीं कब जाम में फंस जाएंगे, कब क्या रास्ता हो जाएगा। कई बार तो ऐसा भी होता था आदमी दौड़ रहा है सामान अपने कंधे पे लेके कि भाई क्या करें ट्रेन छूट नहीं जाए, लेकिन इन सब चीजों से अपने कब का मुक्ति पा चुके हैं। अगर अपने टोटल व्हीकल्स की बात करें तो एक टाइम में सिर्फ इंडिया में 30 लाख व्हीकल्स थे जो आज के दिन 30 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं और हर ईयर करोड़ों में अब उसकी व्हीकल्स जुड़ रहे हैं। अगर अपने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं जीडीपी के सेंस में तो 1950 में अपनी जीडीपी सिर्फ 0.02 ट्रिलियन डॉलर की थी, जो कि 1990 40 साल लगे अपने को 0.32 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने में आफ्टर एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद में। आज के दिन इंडियन इकोनॉमी 3.2 ट्रिलियन डॉलर की है और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब अपनी इंडियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी। आज के दिन भारत की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में और 4th तो बहुत जल्द होने वाली है और वो दिन दूर नहीं है 2050 तक इंडिया 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी वर्ल्ड की। लास्ट बट नॉट लीस्ट 1979 में सेंसेक्स सिर्फ 100 पॉइंट था, दोस्तों आज के दिन वो 60,000 के आसपास है और आप नोट कर लो 2032 तक ये 2 लाख पार करेगा ही और पूरा विश्व अपनी भारत की ग्रोथ से दूर रह नहीं सकता। उन लोग को आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर उन लोग का इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों आप सब मिलके अपने सब मिलके उसके अंदर योगदान करते हैं। दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और भारत की उन्नति का मजा लो।